हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रम पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको ईल एप्लीकेशन का जो मॉड्यूल नंबर 9 है वो आपको जो है उसके क्वेश्चन आंसर में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देख लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है मैं ईल का जो मॉड्यूल नंबर 9 है उसके क्वेश्चन आंसर आपको जो है बताने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ में जो है आपके जो है डाउट भी जो है क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपके डाउट्स है मॉड्यूल नंबर 9 को लेकर वो सारे आज जो है मैं क्लियर कर दूंगा और साथ में जो है जितने भी क्वेश्चन है उनके तर्क सहित उत्तर भी मैं आपको दूंगा बिल्कुल एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रम पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो वीडियो होती है वो मैं मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी पॉइंट ICDS केस ईला, इसी प्रकार की जो वीडियो होती है वो मैं मेरे चैनल पर लाता ही रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाके जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इससे जो है आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको जो है सबसे पहले उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप उसे अच्छे से देख पाएंगे, उस वीडियो से आप अवगत रहेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को जो है अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने से यार जो है मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो है वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप जो है इस वीडियो को अपने ICDS के ईला वाले जो ग्रुप है उस पर आपको जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों आप अपना जो है राय, अगर आप अपनी राय जो हमें शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अगर वो शेयर करेंगे तो मुझे जो है उससे और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप जाके जो है कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ मॉड्यूल नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तर्क सहित उत्तर दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और एक दोस्तों आपको मैं जरूरी सूचना बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपने मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं देखे तो दोस्तों आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन आंसर की जो वीडियोज़ है उनकी जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उन सभी जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों बिना उद्गाए वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात टेक्निकल मधुरम के साथ। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे ये ईल एप्लीकेशन ही है, तो इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं ओपन कर रहा हूँ इसे, और दोस्तों जैसे आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों इस टाइप से कुछ आपको इंटरफेस इसमें जो है मिलता है। तो अभी फर्स्ट वाला मॉड्यूल अपन ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी हो गया था, फाइव भी हो गया था, सिक्स्थ भी हो गया था, सेवन्थ भी हो गया था, एट्थ भी हो गया था, और अब जो है आज चलने वाला है वो है हमारा मॉड्यूल नंबर 9। दोस्तों एक और मैं आपको जो है दोबारा याद दिलाता हूँ, मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आंसर की वीडियो। उसमें जो है मैंने सभी जो मॉड्यूल है प्रीवियस मॉड्यूल्स उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से बताए। तो दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर जो है हमारा मॉड्यूल नंबर 9 है वो है हमारा मॉड्यूल नंबर 9, समय के साथ साथ ऊपरी आहार में सुधार और वृद्धि। तो दोस्तों समय के साथ ऊपरी आहार में सुधार और वृद्धि, ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 9। तो अभी सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम देखे पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे आप पाठ्यक्रम देखे पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अभ्यास नंबर 1 मिल जाएगा, यानी कि अध्याय हमारा 1 स्टार्ट होता है। तो अध्याय 1 हमारा जो है पहला अध्याय वो है कैसे सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि कैसे सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जा रहा है। और दोस्तों शुरू में जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो है यहाँ पे हिंट की वीडियो देख सकते हैं, बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा है तीर का निशान, तो इस वाले तीर के निशान पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है अपने तो उसको देख लीजिए एक बार। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के पूर्ण विकास के लिए
बच्चे के पूर्ण विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सही ऊपरी आहार दिया जाए और यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में जो है आंसर आ जाता है हमारा फर्स्ट वाला जो कि है सही, और सेकंड वाला क्वेश्चन होता है हमारा, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ग्रह भेद पंजी को देखकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितने बच्चों को पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जा रहा है? तो सेकंड वाले आंसर में आता है हमारा, सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर आता है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही। तो अभी इसको समझाता हूँ मैं। तो बच्चे के पूर्ण विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सही ऊपरी आहार दिया जाए और यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। तो ये दोस्तों ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर सही हमने लगा दिया है। तो आपको भी सही पर टिक कर लेना है। जैसे आप टिक कर लेंगे सही पर, तो दोस्तों हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या ग्रह भेद पंजी को देखकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितने बच्चों को पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ग्रह भेद पंजी को देखकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितने बच्चों को पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट में आ जाता है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही, और सेकंड में आ जाता है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही। तो आपको परिणाम पर अभी क्लिक कर लेना है, जैसे कि दोस्तों मैं कर रहा हूँ। तो अभी परिणाम पर आपको क्लिक कर लेना है, और दोस्तों देख सकते हैं हमारा फर्स्ट भी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको जो है अगले अध्याय पर जाना है, तो अगले अध्याय पर जाएं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा अगला अध्याय आ जाता है, अध्याय नंबर दो, बच्चों को बढ़ी हुई मात्रा में आहार की आवश्यकता के कारण। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि बच्चों को जो है बढ़ी हुई मात्रा के आहार की आवश्यकता के कारण, ठीक है। तो अभी ये हिंट की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं अब चाहे तो, नहीं तो आपको जो है ये राइट वाला तीर का निशान है इस पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड अध्याय आ जाता है, और सेकंड अध्याय हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को ऊपरी आहार क्यों खिलाना चाहिए। तो बच्चे को ऊपरी आहार क्यों खिलाना चाहिए, इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपरी आहार खिलाने से बच्चे को ऊर्जा मिलती है, ऊपरी आहार खिलाने से बच्चे कम स्तनपान करते हैं, और तीसरा है ऊपरी आहार खिलाने से बच्चों को तत्व, महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। तो अभी जो है हमारा इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है हमारा मल्टीपल जो आंसर होंगे, यानी कि मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा जो है इसमें आंसर होंगे हमारे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला यानी कि लास्ट वाला, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ऊपरी आहार खिलाने से बच्चों को ऊर्जा मिलती है और ऊपरी आहार खिलाने से बच्चों को महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। तो हमारे इसमें मल्टीपल आंसर आ जाते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन। तो भी आप फर्स्ट वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं और थर्ड वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप फर्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और थर्ड पे भी। तो मैं फर्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, और सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन आता है ऊपरी आहार बच्चों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें भी जो है हमारे मल्टीपल आंसर हो जाएंगे, तो ऊपरी आहार बच्चों के लिए क्यों अनिवार्य है वो है दोस्तों हमारे आंसर जो है वो हमारे हो जाएंगे दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो गाइस देख सकते हैं आपकी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है तीनों ही जो है इसमें आंसर हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट भी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए, बच्चों की विभिन्न गतिविधियों के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट वाले में हो जाएगा हमारा बच्चों को ऊपरी आहार क्यों खिलाना चाहिए, ऊपरी आहार खिलाने से बच्चों को ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल सही है। और ऊपरी आहार खिलाने से, थर्ड वाला ऑप्शन है ये, ऊपरी आहार खिलाने से बच्चों को महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप फर्स्ट लगा सकते हैं और थर्ड भी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी लगा सकते हैं, फोर्थ वाला बिल्कुल रॉन्ग है। तो अभी मैं जो सेकंड लगाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप लगा सकते हैं सेकंड में, और फर्स्ट में आप फर्स्ट और थर्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं परिणाम पर क्लिक कर सकता हूँ और कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपन जैसे परिणाम पर क्लिक कर लेते हैं तो इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये जो है हमारे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड में मैंने आपको तीनों ऑप्शन बताए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, तीनों जो है हमारे करेक्ट है सेकंड वाले क्वेश्चन के। और दोस्तों आपको परिणाम पर क्लिक कर लेना है और कुछ स्टेप से आपको जो है आंसर देखने को मिल जाएंगे, और अगले अध्याय पर जाए इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप अगले अध्याय पर जाएंगे तो आपको जो हमारा अध्याय नंबर तीन मिल जाता है, बच्चे के लिए आहार की आवश्यक मात्रा। तो अभी जो है हमारा ये तीसरा वाला अध्याय आ जाता है, बच्चे के लिए आहार की आवश्यक मात्रा। अब आपको जो है ये हमारा राइट वाला तीर का निशान है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, सभी बच्चे अलग अलग मात्रा में ऊपरी आहार खाते हैं। तो हमारे इसमें आ जाता है दोस्तों तीसरे वाले अभ्यास में जो फर्स्ट वाला है इसमें आ जाता है हमारा सही। या दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आ जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। तो आपको सही पर टिक कर लेना है और मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। 9 माह की आयु में बच्चा 24 घंटे में कितना ऊपरी आहार खा सकता है? तो अभी सेकंड में आ जाता है हमारा आंसर, वो है 200 ग्राम या 2 कटोरी, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सेकंड वाले पर टिक कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ
आप फर्स्ट पे भी कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों आपको फर्स्ट पे नहीं करना है, आपको सेकंड पर ही करना है। वो जो है इसमें मल्टीपल आंसर आपको जो है नहीं मिलेंगे, इसमें आपको सिर्फ ओनली वन आंसर मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो है सभी बच्चे अलग अलग मात्रा में ऊपरी आहार खाते हैं, तो हमारे फर्स्ट में आ जाता है सही और सेकंड में आ जाता है हमारा 200 ग्राम या दो कटोरी, ठीक है। सभी बच्चे जो है अलग अलग मात्रा में ऊपरी आहार खाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और 9 माह की आयु में बच्चा 24 घंटे में 200 ग्राम या दो कटोरी आहार ही खा सकता है, तो हमारा फर्स्ट में आएगा फर्स्ट और सेकंड में आएगा सेकंड। तो टिक करके आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों परिणाम है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप परिणाम पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी सही है और सेकंड क्वेश्चन भी सही है, फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड। अगले अध्याय पर जाए पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों, तो अगले अध्याय पर जाए आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा जो है चौथा नंबर का जो अध्याय है अभ्यास चौथे नंबर का वो आ जाता है। और चौथे नंबर का अभ्यास जो है चौथे नंबर का अध्याय या फिर अभ्यास, तो चौथे नंबर का अध्याय है हमारा बच्चों के आहार को बढ़ाने के लिए परिवार की मदद कैसे करें, तो दोस्तों ये चौथे नंबर का अध्याय आ जाता है। और आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है राइट वाला तीर का निशान इस पर क्लिक कर लेना है, जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बच्चा अधिक आहार कब खाता है, मतलब एक बच्चा जो है अधिक आहार जो है कब खाता है, तो दोस्तों इसमें जो है मल्टीपल आंसर आएंगे अपने, तो इसमें अपना आएगा एक तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा, एक हमारा थर्ड वाला आंसर आएगा और एक हमारा फोर्थ वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो तीन आंसर आते हैं इसमें, आप जो है चाहे तो फर्स्ट लगा सकते हैं, थर्ड लगा सकते हैं और फोर्थ भी लगा सकते हैं, फर्स्ट भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं और फोर्थ भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट लगा देता हूँ। वो 6 से 8 माह के बच्चे को दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए, ठीक है। तो 6 से 8 माह के बच्चे को दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, 6 से 8 माह के बच्चे को जो है दिन में 3 बार खिलाना चाहिए। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन में जो है सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा एक बच्चा अधिक आहार कब खाता है, जब बच्चा ज़्यादा सक्रिय हो, जब उसे आहार स्वादिष्ट लगे, जब बच्चे को अधिक खाने की आदत हो। तो दोस्तों फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से कोई सा भी लगा सकते हैं, इसके तीन आंसर है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, और आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। और 6 से 8 माह के बच्चे को दिन में 3 बार खिलाना चाहिए, जी हाँ दोस्तों 6 से 8 माह के बच्चे को जो है दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए, 3 बार। तो आपको इसमें सेकंड वाले में मल्टीपल आंसर नहीं है, सेकंड वाले में आपको 3 बार लगाना है, ठीक है। तो अब आपको जो है परिणाम पर क्लिक कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो परिणाम पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे फर्स्ट में मल्टीपल आंसर आएंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, और सेकंड में हमारा 3 बार आंसर आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों हमारा जो है मॉड्यूल नंबर 9 जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है और अगले अध्याय पर जाए पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा जो मॉड्यूल नंबर 9 है वो बिल्कुल जो है कंप्लीट हो गया है अच्छे से। और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे जो है कमेंट में अपनी राय शेयर करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं बेक आ जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो है मैं बेक आ गया हूँ। और दोस्तों आपको एक जरूरी बात बतानी है कि जो है मैंने जो है फ़ोन स्विच कर लिया है, जी हाँ दोस्तों अभी जो है मैं न्यू फ़ोन पर स्विच हुआ हूँ, तो दोस्तों थोड़ा न्यू है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इस बार भी मैंने थोड़े दिनों में वीडियो डाली है, थोड़े ज़्यादा दिन हो गए थे इस बार, और ज़्यादा तो नहीं हुए, मतलब जो है मीडियम ही थे। लेकिन दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूंगा। और दोस्तों मैं मेरी तरफ से भी मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूं। तो दोस्तों प्लीज़ आप जो है सपोर्ट कीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा आपके लिए। और ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 10 की वीडियो आएगी इसके बाद, और लाइव भी आ सकता हूँ मैं दोस्तों, लाइव आ सकता हूँ मैं जो है, टिकटॉक हो सकती है, मैं लाइव आ सकता हूँ मेरे इस फ़ोन से, तो लाइव भी आ सकता हूँ मैं जल्दी जल्द। और या तो मैं लाइव आऊँगा या फिर जो है मैं मॉड्यूल नंबर 10 के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो लाऊंगा। और मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ना, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो आपको उन सभी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये मॉड्यूल नंबर 9 की वीडियो हो चुकी है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारे मॉड्यूल नंबर 10 के ऊपर। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, वेट टिल इट कम्स। और दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द मैं इसी हफ्ते में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस महीने में लाने के लिए, और साथ ही में दोस्तों जो है मैं लाइव भी आने वाला हूँ इस फ़ोन से। और इसके अलावा जो है मॉड्यूल नंबर 10 के जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो भी जो है जल्द से जल्दी मैं लाने वाला हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है जल्द से जल्दी जो है
वीडियो दे पाऊँ मॉड्यूल नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर की। और जो है लाइव भी आने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, जब मैं लाइव आऊँगा, जिस दिन आऊँगा, तो आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट जो है चेक करते रहना है। मैं जब भी लाइव आऊँगा तो उससे थोड़ी देर पहले या फिर 2 से 3 आवर्स पहले, उसी दिन आपको जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो है डाल दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा कि मैं अभी जो है लाइव आने वाला हूँ। टाइम भी जो है मैं आपको बता दूंगा, फिक्स टाइम पे आऊँगा लाइव, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। मैं किसी नए वीडियो में मिलूंगा आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।